जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को क्रिस्तीय कहते हैं। क्रिस्तीय शब्द का अर्थ होता है विलेपित किए हुए लोग, और क्रिस्त शब्द का अर्थ होता है वह जो विलेपित किया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि हम क्रिस्त से इस तरह के संबंध में जुड़े हैं कि वह संबंध तोड़े टूटेगा नहीं, क्योंकि ये जो संबंध है हमने यीशु के साथ नहीं बनाया, यीशु ने हमारे साथ बनाया है। और इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है जिससे तुम फल उत्पन्न करो, वह फल जो अनंत काल तक बना रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार का संदर्भ क्या है? आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु बड़े साफ साफ शब्दों में कहते हैं, वह जो भी तुम्हारे वचनों को बहिष्कार करेगा वो मेरा बहिष्कार करता है, और जो भी मेरा बहिष्कार करता है उसका बहिष्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। तो हम सब प्रभु के चुने हुए कारिंदे हैं, हम सबको प्रभु ने अपने शिष्य बनाया है। बाइबल की उस घटना को याद कीजिए जब यीशु 40 दिन तक प्रार्थना करते रहे, और इस प्रार्थना के दौरान वे प्रभु अपने पिता के साथ इस तरह से संयुक्त हो गए कि उन्हें ऐसे लोगों की तलाश थी जो उनके साथ संयुक्त होकर उनके कार्य को आगे बढ़ाएं। और इसलिए उन 40 दिनों में प्रभु यीशु क्रिस्त ने शिष्यों के लिए भी, होने वाले शिष्यों के लिए भी प्रार्थना की, उनके चुनाव के लिए भी प्रार्थना की कि वे दिलदार व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति हो जो सचमुच में ईश्वर के वचन को समझ सके और उसके अनुसार जीवन जिए, उसका प्रचार करे और स्वयं उसे भी अपने जीवन में पालन करे। और इसलिए आज जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को सुनते हैं, सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि जो लोग भी शिष्यों की बातें नहीं सुनते उन्हें जो दंड दिया जाएगा वह असहनीय होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हम शिष्यों पर इतना भरोसा करते हैं क्योंकि वह हम सबको प्यार करते हैं, वह हम सबको हृदय से जानते हैं, उन्होंने हमारा नाम अपनी हथेली पर लिखा है और इसी भरोसे से वे हमें इस संसार में भेजे हैं। क्या लेकिन हम इस भरोसे पर खरे उतरते हैं? क्या हम यीशु के बताए हुए राह पर चलते हैं? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में वचन कहता है, जो मुझे प्यार करता है वो मेरे नियमों पर चलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमें सचमुच में यीशु के शिष्य बनना है जिससे हम अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने कार्यों में यीशु को संसार में प्रस्तुत कर सके, तो यीशु को जानना ज़रूरी है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27 में वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त के इन आश्वासन भरे शब्दों से हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें अपनी आशीष और कृपा दे ताकि हम उसके वचनों पर चलकर उसके योग्य साक्षी बन सके, और जो सौभाग्य से हमें नाम प्राप्त हुआ है उस नाम के लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करें, प्रभु के वचन का प्रचार प्रसार करें ताकि हम कई सारे लोगों को विश्वास में ला सकें। यही प्रभु आज हम सबों से चाहते हैं कि जो कोई भी प्रभु के वचनों पर विश्वास करेगा, उसके अनुसार चलेगा, वही मुक्ति पाएगा। आइए इस कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।